क्या राम आंदोलन के जनक हनुमान जी थे? पहली कार सेवा के वक्त बाबरी के गुंबद पर बैठा वो वानर कौन था? बाबरी के गुंबद पर भगवा ध्वज लेकर रात तक क्यों बैठा रहा एक वानर? अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उनका बाल रूप देखकर भक्तों की आंखों से आंसू बहने से नहीं रुक रहे हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक पल के पीछे कई कहानियां, कई कुर्बानियां हैं, तो कई चौंकाने वाले चमत्कार भी। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही चमत्कार के बारे में, जिसे देखकर खुद 1990 के दौरान यूपी की मुलायम सरकार भी सकते में आ गई थी। ये कहानी एक वानर की है। कहा जाता है कि ये वानर राम मंदिर के आंदोलन के झंडे पर सवार था, तो कुछ लोग इस वानर को साक्षात हनुमान जी का अवतार तक कहते हैं। दरअसल वाक्य कुछ ऐसा है कि 33 साल बाद भी ये घटना लोगों को आस्था से भर देती है, तो कई सवालों के जवाब आज तक बाकी हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखें। ये बाबरी के गुंबद पर बैठा एक वानर है, जो कि बड़ी मजबूती से भगवा ध्वज को पकड़े हुए है। इस फोटो को 23 जुलाई 1992 को फोटोग्राफर प्रमोद पुष्करणा ने कैद किया था। ये भले ही आपको पहली नजर में सामान्य तस्वीर लगे, लेकिन है बहुत ही असामान्य। दरअसल यही तस्वीर 30 अक्टूबर 1990 को भी दिखी थी। इसी तरह बाबरी ढांचे के गुंबद पर एक वानर भगवा ध्वज पकड़कर बैठा रहा, और पूरा का पूरा मुलायम सरकार के प्रशासन का सरकारी अमला बंदर के आगे नतमस्तक और बेबस था, क्योंकि बंदर को हटाने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, जो यह तारीख राम आंदोलन के इतिहास में खून से लिख दी गई। अक्टूबर 1990 को विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में कार सेवकों ने विवादित बाबरी ढांचे को गिराने के लिए कूच किया। हजारों की संख्या में कार सेवकों को रोकने के लिए तत्कालीन मुलायम सरकार ने पीएसी के तकरीबन 3000 जवानों की फोर्स तैनात की थी। खुद तब के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ऐलान किया था कि अयोध्या की सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इस दौरान कार सेवकों और पुलिस बल के बीच जमकर संघर्ष हुआ, और कुछ कार सेवक किसी तरह बाबरी ढांचे के गुंबद पर भगवा ध्वज फहराने में कामयाब हो गए। उस वक्त यूपी पुलिस ने जमकर गोलियां बरसाई, कई कार सेवक मारे गए। आखिर में पुलिस के सामने कार सेवक कमजोर पड़े और तितर बितर हो गए। इसके बाद पुलिस अधिकारी बाबरी ढांचे को गुंबद पर फहराए गए झंडे को हटाने आगे बढ़े तो हैरान रह गए। दरअसल एक बंदर बाबरी के गुंबद पर उस भगवा झंडे को पकड़कर काफी देर तक बैठा रहा था, और बंदर को देखकर पुलिस अधिकारियों में झंडा हटाने की हिम्मत तक नहीं हुई। हालांकि रात में जब बंदर गुंबद से उठकर चला गया, तब उसके बाद 3 से 4 पुलिस के जवानों ने बाबरी के गुंबद से झंडे को हटा दिया था। इसके बाद इस तस्वीर को देश के कई दिग्गज अखबारों ने 1 नवंबर 1990 को प्रकाशित किया था, और कई लोगों ने तो इस वानर को प्रभु श्री राम भक्त हनुमान का रूप माना था। इसके बाद एक बार फिर से जुलाई 1992 में कार सेवक राम मंदिर के लिए अयोध्या पहुंचे थे। हालांकि पुलिस की गोलीबारी में कार सेवकों की मौत की वजह से कार सेवा को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इसी दौरान फिर से ये बंदर बाबरी के मुख्य गुंबद पर बैठा दिखाई दिया था। देश के एक मीडिया हाउस के पत्रकार ने इस बंदर की तस्वीर खींची थी। इसके बाद ये मामला यहीं नहीं रुका, बल्कि जिस बंदर को दैवीय माना जा रहा था, राम मंदिर के फैसले वाले दिन फैजाबाद की जिला अदालत में भी देखा गया था। दरअसल 1 फरवरी 1986 को जब अयोध्या पर फैजाबाद जिला अदालत में फैसला सुनाया जाना था, तो कोर्ट रूम में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। लेकिन इस सब के बीच अदालत परिसर में एक काले रंग का वानर आके बैठ गया था, जो चुपचाप
फैसले का इंतजार कर रहा था। दावा किया जाता है कि वो वानर अदालत में सुनवाई शुरू होने से लेकर जिला जज केएम पांडे यानी कृष्ण मोहन पांडे के घर जाने तक हर जगह देखा गया था। 1 फरवरी 1986 की शाम 4:40 पर जब जज केएम पांडे ने विवादित मस्जिद का ताला खोलने का आदेश दिया था, जज साहब फैसला पढ़ ही रहे थे तब भी वो काला बंदर वहां चुपचाप बैठा था और जज साहब ने जब फैसला सुनाना खत्म किया तो वो बंदर वहां से चुपचाप चला गया। ये बात जज केएम पांडे ने अपनी आत्मकथा वॉइस ऑफ कॉन्शियंस में लिखी है जो 1991 में छपी थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे उस बंदर को फल और मूंगफली देते रहे, पर बंदर ने कुछ न छुआ और कुछ न खाया, चुपचाप बैठा रहा मेरे आदेश सुनाने के बाद ही वहां से गया। फैसले के बाद जब डीएम और एसएसपी मुझे मेरे घर पहुंचाने गए तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने उसे प्रणाम किया, वह कोई दैवीय ताकत थी। केएम पांडे के अलावा तत्कालीन सीजेएम सीडी राय ने भी काले बंदर वाली बात की पुष्टि की थी। उन्होंने भी कहा था कि फैसले वाले दिन सुनवाई शुरू होने से पहले एक बंदर अदालत में लगने वाले झंडे को पकड़े खड़ा रहा। जज साहब जब अदालत में दाखिल हुए तो उनकी नजर उस काले रंग के बंदर पर पड़ी और उसे भगाने की कोशिश भी हुई, मगर वो बंदर वहीं झंडा पकड़े खड़ा रहा। इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि रिटायर्ड जज केएम पांडे उस बंदर को कोई दैवीय शक्ति मानते हैं और उन्हें लगता है कि उस काले बंदर ने उनके फैसले को काफी हद तक प्रभावित भी किया। जब फैसले वाले दिन वो घर आए थे तब भी वो बंदर उनके घर के बरामदे में बैठा था, जिसे देखकर वो हक्के बक्के रह गए थे। हालांकि जज केएम पांडे ने उस काले बंदर को दैवीय शक्ति मानकर प्रणाम किया था, जिसके बाद वो बंदर वहां से चुपचाप चला गया और जब विवादित बाबरी ढांचे का ताला खोला गया तो उसके बाद उस काले बंदर को कहीं नहीं देखा गया। जाहिर सी बात है कि रामकथा बिना हनुमान के कैसे पूरी हो सकती है।